हाय कृष्णा बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th यूनिट 3rd मैट्रिसेस, राइट। एक्सरसाइज 3.1 और 3.1 का हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन आज बोर्ड पे कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले, क्योंकि आप अभी है ना, ये 12th में ये जो मैट्रिसेस आया है, ये बच्चों के लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इसका 11th में कोई कनेक्शन नहीं, 10th तक आप लोगों ने कभी मैट्रिक्स का नाम नहीं सुना, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा बच्चों को, और देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 12th का सबसे आसान यूनिट है, 3rd एंड 4th सबसे फर्स्ट पार्ट का सबसे आसान यूनिट है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक फंडामेंटल को अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे, इसमें जैसे कुछ बेसिक फंडामेंटल, इसमें ऑर्डर क्या होता है, इसमें एलिमेंट्स किसे बोलते हैं और एलिमेंट्स की पहचान कैसे करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से छोटी छोटी बात अगर आप ध्यान रखेंगे, जो कि मैं अभी बेसिक फंडामेंटल के तौर पे आपको सिखाने वाला हूँ, आपको चिंता नहीं करना। और आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने इस बेसिक फंडामेंटल को सीख लिया तो अपने आप भी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और आप इस चैप्टर में जरूर एक्सपर्ट बनेंगे, अगर थोड़ा सा भी अगर आपने अच्छे तरीके सिंसियरली एफर्ट्स लगाया, उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन किया तो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा, मेरी बात इच्छा है कि यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन, आपके जो बुक के इंट्रोडक्शन पार्ट में ना, एक मैट्रिक्स की जो इम्पोर्टेंस है, आगे आगे जो फ्यूचर में जो इम्पोर्टेंस है, प्रैक्टिकल यूज है, वो कुछ बताया हुआ, तो मैं उसको थोड़ा एक बार रीड करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बेसिक फंडामेंटल आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो देखो, कहता है द नॉलेज ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज नेसेसरी इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। देखो, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में मैं इसका यूज किया जाता है। मैट्रिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल इन मैथमेटिक्स। देखो उसके यूज के बारे में, देखो क्या बोला है, कहते हैं मैट्रिक्स नोटेशन एंड ऑपरेशन आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का कुछ एप्लीकेशंस वगैरह जब आप करना चाहते हो, उसमें उसके लिए भी यूज होता है ये, विच इन टर्न इन यूज इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस एंड साइंस लाइक बजटिंग, सेल्स प्रोजेक्शंस, कॉस्ट एस्टिमेशन, एनालाइजिंग द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एटसेट्रा। इस तरीके से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जब किए जाते हैं, बड़े बड़े जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे या कुछ इंजीनियरिंग वर्क्स वगैरह में, तो वहाँ पे भी इसके कुछ प्रोग्राम्स में इसको यूज किया जाता है, इस मैट्रिक्स का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, तो आपको इसे ध्यान से समझना है और इसके प्रयोग को सीखने का प्रयास करना है। डेफिनेटली आपके लिए ना बड़े कोर्सेज में आपकी ये बहुत मदद भी करेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्या, देखो बेसिक क्या चीज़ है, कुछ जो दो तीन चीज़ें मैं आपको बेसिक बताऊंगा, आप अपने नोटबुक को साथ साथ खोल के रखें, है ना, और इसे क्या करना है, आप इसको क्या करना है, नोट करना है, अपने अपने नोटबुक में से क्या करना है, नोट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली बात क्या है, मैं देखो कुछ दो एग्जांपल्स देता हूँ दो मैट्रिक्स का, ठीक है ना। आपके पास एक मैट्रिक्स लिया मैंने ना, यहाँ पे लिखा मैंने 2, 3, 4, 7, 8, 9, है ना, और यहाँ पे लिख दिया मैंने आपके पास कि 7, 6, 5, तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये जो लिखा मैंने, देखो यहाँ पे क्या है कि ए है, और ये जो ना क्लोज ब्रैकेट में ना, इसके अंदर ये देखो, ये जो क्लोज ब्रैकेट है थोड़ा सा करके ना, तो ये जो इस ब्रैकेट के अंदर हम जब कुछ लिखते हैं, तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको बोला जाता है एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स, ठीक है। और ये हम ऐसे कैसे क्या पढ़ेंगे, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास ये कुछ ये जो कुछ नंबर्स लिखा हुआ है, वो क्या एलिमेंट बोला जाता है इसको। तो अब यहाँ पर क्या है, इसकी मदद से अभी सबसे पहले आपको सीखना है कि ऑर्डर क्या होता है। सबसे जो पहला पॉइंट है आपको क्या सीखना है, ऑर्डर, ठीक है। तो ये ऑर्डर मैं आपको पहले समझा, देखो दो तीन बातें आपको सीखना है कि ऑर्डर को समझना है, ऑर्डर क्या है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है, ठीक है। सो ऑर्डर के लिए क्या है कि देखो आपको ऑर्डर्स के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने कॉलम और कितने रो है, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये जो ये पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो जा रहा है ना, ये जो लाइन है, इसको बोला जाता है रो, इसे क्या बोला जाता है रो, और ये क्या है फर्स्ट रो है, ये क्या है आपके पास, ये फर्स्ट रो, ठीक है जी, और ये क्या आपके पास सेकंड रो, और ये क्या आपके पास थर्ड रो, ठीक है, ये आपके पास क्या थर्ड रो है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रो, सेकंड रो, और ये क्या होगा थर्ड रो, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 1, 2 और 3, इसको क्या बोला जाता है कॉलम, क्या बोला जाता है कॉलम बोला जाता है, क्या बोला जाता है कॉलम, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, ठीक है ना, कॉलम क्या है आपके पास कॉलम सेकंड, ये वाला है ना, ठीक है, और ये आपके पास कॉलम क्या थर्ड। तो यानी आपका देखा जाए तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास 3 रो और 3 कॉलम से मिलकर बना हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि कितना 3 रो है और कितना कॉलम है, या 3 ही कॉलम है, तो हम क्या बोलेंगे m into n आपका जो दिखाता है वो ऑर्डर को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, ऑर्डर को। और तो m का मतलब क्या है, यहाँ पे m का मतलब रो है,
और ये इसका मतलब क्या, आपके पास कॉलम है ना, कॉलम है, तो यानी देखो तीन रो और तीन कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो गया इसके, 3 बाई 3, यानी आपको क्या दिखाएंगे, 3 बाई 3 का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जो अलग ऑर्डर का होगा, जैसे मैंने लिख दिया मान लो 5 4 7 2 9 8 लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास देखो, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कितने कॉलम है, देखो यहाँ कितने रो हैं, तो एक रो दो रो, कितने रो हैं दो, और यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कितने कॉलम है, आपके पास 3 कॉलम है, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, m into n क्या हो गया, देखो 2 रो है तो 2, और n कितना, 3 कॉलम है तो 2 into 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 by 3, यानी हम इसको अगर आप इसे पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, ए कोई मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है वो 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये वाला जो मैट्रिक्स है वो 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 रो है और 3 कॉलम है, राइट। तो आई होप कि आपको ये जो ऑर्डर वाला फंडामेंटल है ना, आपको ये समझ में आ गया हो कि ऑर्डर हमें कैसे बताना होता है, ठीक है। अब मैं आपको जो दूसरी बात है वो सिखाना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता करते हैं, कि नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कितने इसके अंदर कितना एलिमेंट है। तो देखो ऑर्डर ही हमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके लिए आपको क्या है कि ये इसका जो फार्मूला होता है एम इंटू एन, यानी आपको देखना है कोई अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और ऑर्डर बताया हुआ है इसका, जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 by 3, तो 3 × 3 तो कितने एलिमेंट्स इसमें, 9 एलिमेंट्स, काउंट भी कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एलिमेंट है इसके अंदर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फार्मूला क्या है, एम इन टू एन, यानी इनके ऑर्डर को इनके रो और कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास आ जाएगा उस मैट्रिक्स का। अगर इसका आपको पता करना है कि इसमें देखो कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपका देखो नंबर ऑफ ऑर्डर का सेकंड वाले का है ना, तो सेकंड वाले का नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, देखो कितना ऑर्डर है आपके पास, यानी एम इन टू एन, यानी 2 by 3, यानी कितने 6 एलिमेंट्स है इसके अंदर, कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स, तो काउंट भी करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट हो गए इसके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। तो ये आपका ऑर्डर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया। देखो पहले क्वेश्चन में देखो यही है, आपको पहले क्वेश्चन आपको बताना है ऑर्डर और फिर आपको बताना है एलिमेंट्स, तो 2 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी ये जो इस क्वेश्चन में पूछा गया, देखो यहाँ पर कि A13 बताओ, A21 बताओ, A33 बताओ, A24, ये क्या फंडा है, इसको समझने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बात को समझने के लिए मैं एक और आपके पास एक और मैट्रिक्स यहाँ पे लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, देखो मैंने क्या किया, अब ध्यान से समझना है, एक और मैंने एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास मैंने लिखा 5 7 8 है ना, 9 5 4, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई रेंडमली कोई नंबर ले रहा हूँ मैं, आपके पास ये लिख दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास ये जो लिखा होता है ना, ये जो रो है इसका एक अपना एक नाम होता है, पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे कि मैं इस जो 5 है इसको हम क्या, मैं क्या बोलूँगा, A11 का मतलब क्या है, ये जो आपका 1 1 है, ये जो 1 है पहला आपका जो 1 है वो रो बताता है, और दूसरा जो आपका जो नंबर है वो क्या बताता है, वो कॉलम बताता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, ये आपका जो है, ये वाला जो नंबर है फर्स्ट, ये इसको क्या बोलते हैं, रो बोला जाता है, और ये क्या बताता है, आपको कॉलम बताता है, ठीक है। और इस फंडामेंटल को आपको सीखना है अभी, तो ये आपका 1 1 बता, देखो अभी आपका क्या फर्स्ट रो चल रहा है, तो A1 और इसका नाम क्या होगा, A12 A12 किसके लिए दर्शाया जा रहा है, 7 को बता रहा है, 7 की जो पोजीशन है वो A12 की पोजीशन। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछता हूँ कि A12 क्या, तो आपको बताना है 7, ऐसे ही क्या कर सकता है, इसको क्या बता सकते हैं, A13। ऐसे ये वाला जो 9 है, देखो यहाँ पे इसको क्या बताया, देखो अब क्या सेकंड रो शुरू हो गया, तो सेकंड रो पहले बताएगा, और ये फर्स्ट कॉलम है तो A21, सेकंड रो है सेकंड कॉलम है तो A22, सेकंड रो है थर्ड कॉलम तो A23। अब देखो इसके लिए क्या है, अब थर्ड रो शुरू हो गया तो ये क्या हो जाएगा, A31, और 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पहला कॉलम है, और थर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि थर्ड रो चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, A32, और ये क्या हो जाएगा, A33। तो ये जो नंबर है वो इसका एक मैट्रिक्स की भाषा में ये इसकी पोजीशन है। अगर इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा A22, तो आपको देखो A22 मतलब सेकंड रो जाना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम है, तो सेकंड रो ये रहा सेकंड कॉलम ये रहा, तो आप क्या जवाब देंगे, A22 क्या 5 है। अगर आपसे पूछता हूँ A32, तो थर्ड रो में आ जाएंगे आप और सेकंड कॉलम में जाएंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम में जब चेक करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा इसका 2 ना, कि A32 क्या है, 2 है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आपको याद रखना है कि ये इसकी पोजीशन है ना, इसकी पोजीशन एलिमेंट का एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में नाम भी होता है A11, A22, A32,
है ना, A41 अगर आपके पास मान लो चार कॉलम चार रो वाला अगर मैट्रिक्स आया तो A41 भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपके पास क्या करना है बताना है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसकी पोजिशन और कैसे हम इसका नेम नाम बताते हैं हम इसका। तो इसी चीज को, इसी बेसिक चीज को आज हम पहले क्वेश्चन यानी जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम इसे अप्लाई करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। और अब मैं इसको, आप इसको क्या करना है, जो मैंने बेसिक चीज बताया आप इसे अपने नोटबुक में इसको नोट भी कर लेना है, ठीक है, ताकि साथ साथ जो जो आपको अच्छी बात लग रही है नोट करते रहना है, ताकि फिर आप आसानी से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। अभी जो मैट्रिक्स क्वेश्चन, और डेफिनेटली अगर आपने नोट्स बनाया और अपने नोटबुक में लिखते गए तो डेफिनेटली आप एक दिन देखोगे कि मैथ्स में आप इस मैट्रिक्स में आप बिल्कुल इतने अच्छे परफेक्ट बन जाओगे कि मैट्रिक्स में आपको कोई हिला नहीं सकता, ठीक है ना। तो यस, तो अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब इसे, इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, बाकी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि हम बोर्ड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। यस, तो हम यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ कहते हैं इन द मैट्रिक्स, ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पे उससे पहला क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्डर आपको बताना, क्या बताना है ऑर्डर। तो ऑर्डर बताने का आपके पास क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपके पास देखो पहला रो, ये आपका क्या दूसरा रो, ये आपका क्या तीसरा रो, ठीक है, ये पहला दूसरा तीसरा रो, और यहाँ पे देखो ये पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम, ये आपका तीसरा कॉलम और ये आपका चौथा कॉलम। तो देखो एम इंटू एन क्या हो गया आपके पास, रो पहले बताना था तो टू, और ये सॉरी रो कितना होगा आपके पास थ्री, एक दो तीन, तीन तो रो हो गया, और कॉलम कितने, एक दो तीन चार। तो ये जो ऑर्डर हो गया 3/4 का आपके पास, ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है 3/4 का मैट्रिक्स है। तो आपका पहला जो आंसर है, पहला आंसर आप क्या लिख सकते हैं, ये जो पहला आंसर है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो लिखोगे आप द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया आपके पास 3/4 पहला आंसर, कोई इशू बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट समझ में आ गया। दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बताने कितने सारे कितने एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं आप। तो ये इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, तो क्या होगा एम इंटू एन बताता है, तो यानी एम इंटू एन क्या है थ्री इंटू फोर, तो इसके एलिमेंट कितने 12 एलिमेंट्स हैं इसमें, कितने एलिमेंट्स हैं 12, ठीक है। तो इसके अभी काउंट भी कर सकते हो, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह एलिमेंट है, लेकिन आपको एक एक प्रेजेंट करके दिखाना होता है कि इस तरीके से एम एन आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, तो आपने इस तरीके से इसको क्या किया प्रेजेंट करके आपको शो करके भी दिखाना जरूरी होता है, कैसे हमें प्रेजेंट करना ताकि एग्जाम में हमें फुल मार्क्स मिल पाए, ठीक है ना। अब ये जो तीसरा पार्ट है ना, तीसरा पार्ट मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, तीसरा पार्ट क्या है, ये पोजीशन वाला है जो मैंने आपको अभी अभी समझाया था। तो इसकी जो पोजीशन क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया A13 बताना है, A21 बताना है, इस तरीके से पांच एलिमेंट्स आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि देखो रफली मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखो ये क्या है पहला रो है ना, तो देखो यहाँ पे पहला रो शुरू होगा तो इस एलिमेंट का नाम क्या होगा फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो A11 इसका नाम है, तो फर्स्ट रो चल रहा है आपका तो रो तो वन लिखेंगे, ये सेकेंड कॉलम चलोगे तो A12 लिख देंगे, ये A13 है, ये क्या A14 है, यानी पहला रो चौथा कॉलम, यहाँ पे क्या अब सेकंड रो शुरू हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे A21, ये क्या है A22, ये क्या है A23, ये क्या है A24, सेकंड रो का फोर्थ कॉलम, और ये क्या है A31, A32, A33 और A34, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं थर्ड रो और फोर्थ कॉलम चल गया, ठीक है। अब यहाँ से जब आपने इस तरीके से आपने लिख लिया और मैंने अभी आपको बेसिक में तो आपको बताया था ये बात, तो फिर हमें क्या करना है, जो तीसरा जो आंसर है आपका लिख सकते हो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है राइट द एलिमेंट A13, तो A13 क्या होगा आपके पास, A13 होने का मतलब क्या हो गया, देखो A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये आपको क्या मिल गया 19, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 19 लिखना है, ठीक है, A13 का मतलब 19। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपको क्या मिलेगा 35, तो आपको यहाँ लिखना है 35, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया A33 का मतलब क्या हो गया थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आपको क्या मिल गया आपके पास ये माइनस का 5, क्या मिल गया माइनस का 5। और आपसे फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया A24 का मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो आपका ये रहा फोर्थ कॉलम आपका ये रहा, तो A24 आपको मिल गया 12। और आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया A23,
तो 8, 2, 3 आपके पास देखो, ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है ना, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पूछा गया, तो 8, 2, 3 आ गया आपके पास, 5 बाय 2, 5 बाय 2। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट बता सकते हैं कि राइट एलिमेंट आपने बताया ना A1 इस तरीके से इस फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या होता है, कवर होता है, और मैंने बेसिक फंडामेंटल के साथ आप लोगों को ये बताया है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छा तरीके से समझ में आया होगा, और देखो बिल्कुल आपके लिए थोड़ा सा नया है, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोटबुक के साथ बैठे, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो इस नोटबुक के साथ बैठे, और मैं हर जब भी मैं सवाल कराऊंगा आपको एक बेसिक फंडामेंटल के साथ, जो भी मुझे लगता है कि आपके लिए बिल्कुल इसेंशियल है, वो मैं आपको जरूर बेसिक के साथ समझाता हुआ मैं उस सवाल को क्लियर कराऊंगा, और अब बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल चिंता ही नहीं होगा, और धीरे धीरे करके आपको ये सारा जो मैट्रिक्स है ये पूरा यूनिट आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको बस इस चैनल के साथ बने रहना है, इस मेरे चैनल का नाम है मैथ्स ऑन टिप्स बाय राजकुमार सर, ठीक है। और अगर आप अगर जब और अगर आपको मेरे साथ अगर पर्सनल अगर कम्युनिकेशन रखना है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9891202877। इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज लिख के भेज सकते हैं, मैं आपका एक 12th के बच्चों का एक ग्रुप बना रहा हूँ, उस ग्रुप के साथ मैं इसे ऐड कर लूंगा, और जो ग्रुप के साथ ऐड करने के बाद इस व्हाट्सएप के माध्यम से मैं इसका इस जब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो इस लिंक आपको मैं पर्सनली इस लिंक को मैं इस ग्रुप पर डालूंगा, और आपको आराम से इसका नोटिफिकेशन भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी मिलता रहेगा, और इस चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को हिट कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोनों माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि इस सवाल को समझने का और इस चैप्टर को खत्म करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आप इस चैनल के साथ बने रहना, आपसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।